Hey guys, welcome back to my channel Kibisha. So, आज मैं आप सबके साथ अपना विंटर स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। मेरी स्किन विंटर्स में काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो मुझे विंटर्स में एक बहुत ही अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ता है ताकि मैं अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेटेड रख सकूं और जो भी मुझे इश्यूज होते हैं उसे दूर रख सकूं। और साथ ही साथ मुझे अभी काफी ज्यादा चेहरे पे छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पिंपल्स निकल रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड किया है। तो चलिए जानते हैं मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन फॉर विंटर्स कैसे करती हूँ। नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में मेरा सबसे पहला स्टेप होता है मेकअप को रिमूव करना। मेकअप को रिमूव करने के लिए मैं ऑयल यूज करती हूँ। मैं जनरली कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, लेकिन विंटर्स में वो जम जाता है, इसके वजह से मैं ऑलिव ऑयल या फिर बादाम का तेल यूज कर लेती हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल रहता है, क्योंकि उससे मेरी स्किन काफी ज्यादा नरिश हो जाती है और हाइड्रेटेड हो जाती है। तो अब मैं आपको अपना मेकअप रिमूव करके दिखलाती हूँ। मैं बस जरा सा ऑयल लेती हूँ अपने पाम पे और उसे रब करने के बाद अपने चेहरे पे इस तरीके से लगाती हूँ, जिससे कि मेरा मेकअप अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और अभी मैं बादाम का तेल यूज कर रही हूँ। स्टेप टू में मैं यूज करती हूँ एक माइल्ड सा क्लेंजर, और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाला क्लेंजर। ये है डर्माडॉक का फेस वॉश। ये काफी जेंटल है मेरी स्किन पे और मेरी स्किन को अच्छे से क्लीन कर देता है और ज्यादा ड्राई आउट भी नहीं करता है। स्टेप थ्री के लिए मैं यूज करती हूँ लॉरियल पेरिस का रिवाइटलिस्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। ये काफी सूदिंग इफेक्ट देता है मेरे चेहरे को लगाने के बाद, और इसकी स्मेल भी काफी माइल्ड है। बस इसकी कुछ बूंदें काफी है मेरे पूरे चेहरे के लिए। नेक्स्ट स्टेप के पहले मैं आपको अपना स्किन टेक्सचर अभी दिखला देती हूँ। मेरे स्किन पे काफी ज्यादा पिंपल्स हो गए हैं, छोटे छोटे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स। आप देखिए मेरे पूरे चेहरे पे पिंपल्स और पिंपल्स के मार्क्स हो रहे हैं। तो मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करती हूँ अभी सैसलिक एसिड। आप काफी ज्यादा इसे ट्रेंड में भी देख रहे होंगे, इसे हम BHA भी बोलते हैं। तो मैं बता देती हूँ सैसलिक एसिड करता क्या है। सैसलिक एसिड हमारे टॉप लेयर को डीपली क्लेंस करता है, जिससे कि डेड स्किन रिमूव हो जाते हैं और हमारा ऑयल कंट्रोल होता है, जिससे कि स्लोली स्लोली हमें पिंपल्स और दाने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो अपने फोर्थ स्टेप के लिए मैं यूज करती हूँ लॉरियल पेरिस क्रिस्टल जेल क्रीम। ये काफी लाइट वेट है और ये न्यू एडिशन टू क्रिस्टल रेंज है। मैंने इसके प्रोडक्ट पहले भी यूज किया और मुझे ये वाला रिंज काफी अच्छा लगा था, और ये सैसलिक एसिड वाला है तो मुझे इसे यूज करना तो एकदम बंद था। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी इसे ट्राई करने के लिए। वाटर बेस्ड है, ऑयल फ्री है और बहुत ही लाइट वेट है, इजिली मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये 10 लेयर्स तक अंदर जाता है, जिससे कि हमें क्रिस्टल क्लियर स्किन मिलती है। इसके रेगुलर यूज से ब्रेकआउट्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं और हमें एक अच्छी सी ग्लोइंग स्किन मिलती है। लगाने के बाद एक ग्लो सा स्किन पे आ जाता है, आपको दिख भी रहा होगा। इसकी स्मेल गाइस बहुत ही ज्यादा माइल्ड है। लॉरियल पेरिस क्रिस्टल जेल क्रीम दो साइज में आता है, 15 ml फॉर 299 rupees और 50 ml 699 rupees में। लास्ट टिप जो मैं अपने स्किन केयर रूटीन में करती हूँ वो है एक लिप बाम अप्लाई करना। सो मैं यूज कर रही हूँ ये वादी का लिप बाम। ये लिप बाम मुझे काफी अच्छा लगता है, अच्छे से मेरे लिप्स को मॉइस्चराइज कर देता है, और नाइट टाइम में एक लिप बाम जरूरी है क्योंकि विंटर्स में मेरे लिप्स काफी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। सो ये हो गया मेरा नाइट टाइम विंटर स्किन केयर रूटीन। अब ये सारे प्रोडक्ट्स रात भर मेरे स्किन में काम करेंगे और मेरे स्किन को हेल्दी बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर करें आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। टिल देन टेक केयर, बाय।